और एक बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर भरतपुर में डॉक्टर दंपति की हत्या का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति पर गोली चलाई है। जानकारी ये भी है कि वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए जरा आखिर किस तरह से कार में सवार डॉक्टर दंपति पर बाइक पर सवार होकर आए बदमाश ने पहले शीशा नीचे उतरवाया और उसके बाद में गोली चला दी। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आखिर कैसी है। दो शख्स मौजूद थे, एक शख्स के तो चेहरे पर कोई नकाब भी नहीं था। पीछे वाला शख्स जिसने गाड़ी चलाई वो जरूर लाल कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ था, लेकिन आप देखिए वो पहले गाड़ी के पास जाते हैं, डॉक्टर दंपति के पास में जाते हैं, उनसे कुछ बात कहने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। इस दौरान सड़क पर दोनों ही तरफ से आपको गाड़ियां आती जाती हुई भी दिख रही हैं। आप देखिए जिस समय यह वारदात हुई इसी दौरान बाइक पर मौजूद वहां से एक दूसरी जो गाड़ी है वो भी आपको नजर आ रही है, जिसमें आपको शख्स उस तरफ देखता हुआ भी नजर आता है। लेकिन सोचिए किसी ने कोई पुलिस को सूचना तक देने की बात नहीं समझी, कोशिश नहीं की, आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने तक की बात नहीं समझी। हो सकता है वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं सिर पर उन्हीं पर ही जानलेवा हमला ना कर दे। लेकिन राजस्थान की तस्वीर, अजय कुमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। अजय, आखिर क्या वजह बताई जा रही है इस हत्याकांड की और आरोपियों के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या, क्योंकि सीधी सीधी साफ साफ शक्ल इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बिल्कुल, देखिए ये एक संगीन मामला है, इसको लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाई है। ये जो घटना घटी है उसके बाद तमाम राजनीतिक कहे या डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए तमाम स्वास्थ्यकर्मी में रोज देखा जा रहा है, इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। इस जो गोलीकांड किया है, जिस बदमाश ने किया है उसके घर से एक कार को बरामद कर लिया है और उनको चिन्हित भी पुलिस ने तत्काल कर लिया है। हालांकि पुलिस इनको पकड़ने के लिए जगह जगह पर दबिशें दे रही है, लेकिन अभी ये पुलिस के हाथ नहीं आए। इसमें वजह जो सामने निकल कर आई है, डॉक्टर दंपति की हत्या हुए है कि जो हत्यारा है जिसने ये गोली चलाई थी, उसके करीब 2 साल पहले उसकी एक बहन और बहन का जो बेटा था भांजा, उसकी एक घर के अंदर जलने से मृत्यु हो गई थी, जिसमें ये डॉक्टर दंपति पर भी आरोप लगाए थे कि डॉक्टर उस महिला से संबंध थे और वो उन लोगों की उस समय डेथ हो गई थी, जिसके चलते उसके भाई ने उसी समय से ही बदला लेने की ठान ली थी और उसके चलते इनका डॉक्टर का पूरी तरह से वॉच किया गया, पीछा किया गया, कहाँ का कब जाते हैं, और उसके बाद में पूरी प्लानिंग के साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अजय। तो बता रहे हैं कि किस तरह से पुरानी रंजिश मामले की सामने आई है और पुराना बदला लेने के चलते इस सफ़ेद पोशाक में आए इस लड़के ने ये बदला लिया और डॉक्टर दंपति की दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी, दंपति की हत्या कर दी। दोनों पति पत्नी इस समय कार में मौजूद थे और अचानक से इस दौरान ये शख्स आता है और वो शख्स गाड़ी से उतरता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है और उसके बाद में गोली चलाना उन पर ताबड़तोड़ शुरू कर देता है। अब देखिए ठीक गाड़ी के आगे टू व्हीलर, इन बदमाशों ने अपनी गाड़ी को लगाया था, कार रोकने की कोशिश की थी, यानी कि काफी लंबे समय पहले से वो पीछा कर रहा होगा, ये कहा जाए वो टो ले रहा होगा और उसके बाद में इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, आप देखिए जरा किस तरह से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। ना कि पुलिस लगातार मामले की कार्रवाई की बात कह रही है, अभी जो जानकारी हमारे सहयोगी अजय ने दी, अजय आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप ये जरा बताइए कि आखिर जो आरोपी है उनकी पहचान क्या हो पाई है और अब किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, इसमें जो यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक हैं, तत्काल जो सीसी फुटेज सामने निकल कर आए उसकी बारीकी से जांच की गई और जो आसपास के जो उनके खबरें हैं वो मुस्तैद किए गए थे, उन्हें पहचान की गई, क्योंकि ये जो आरोपी है इसकी पहचान कर ली गई है। हालांकि ये फरार हो चुके हैं, इसकी एक बहन है उसको भी पुलिस ने घर से थोड़ा सा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और ये वो एक कार भी है जिस कार से ये लोग वारदात करने के बाद भागे, उस कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस उसको पकड़ने के लिए जगह जगह पर दबिशें दी जा रही हैं। जी
जी ठीक है, जानकारी के लिए अजय आपका शुक्रिया। तो अजय बता रहे हैं कि पुराना मामला था, प्रेमिका और बच्चे की मौत के बाद में जिस तरह से पूरा मामला और भी ज्यादा बढ़ता चला गया, उसमें डॉक्टर दंपति की भूमिका बताई जा रही है, डॉक्टर की खासतौर से भूमिका बताई गई, ये आरोप लगा है। और जो अभी बताया गया है वो इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन आप सोचिए इन बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। वो जाते हैं बीच सड़क पर, एक जो दूसरा शख्स है साथी जो बाइक चला रहा था उसके चेहरे पर तो कोई नकाब भी नहीं था, ना मास्क था ना किसी तरह का कोई नकाब, यानी वो जानते थे कि उनकी पहचान हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही, हालांकि अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है ये आरोपी।